वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल इजी गार्डनिंग में। तो फ्रेंड्स देखिए, आज यहाँ पर बारिश हमारे यहाँ दिल्ली में खूब हो रही है और सुबह 5 बजे से ही बारिश जो है पड़ना शुरू हो गई और पहले तेज़ हुई और अब धीमी धीमी पड़ी है। देखिए प्लांट्स हमारे कितने खुश हो गए। और ये देखिए मेरा प्यारा सा सनफ्लावर, देखिए पूरी तरह से ये खिल गया है। देखिए बारिश की बूंदें देखिए कितनी प्यारी लग रही है इन प्लांट्स पर। देखिए फ्रेंड्स ये मॉस रोज़ है, देखिए इस पर बारिश की बूंदें देखिए कैसे ऐसे लग रही है जिससे बर्फ़ जम गई हो इनके ऊपर। देखिए बिल्कुल कितने प्यारा सा ये नज़ारा देखने को हमें मिल रहा है। देखिए और बारिश से जो है हमारे प्लांट्स कितने खुश हो गए हैं। ये एक फर्टिलाइज़र का काम करता है जो बारिश का पानी है, बिल्कुल एकदम। और ये देखिए कलियाँ, देखिए धूप नहीं निकली है तो ये खिले नहीं हैं। देखिए बर्ड्स कितनी प्यारी सी इनमें जो है बनी हुई हैं, ये धूप निकलती तो ये खिल जाते। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, कितने प्यारे से ये लग रहे हैं बर्ड्स। हर एक प्लांट, हर एक ब्रांच पर कलियाँ ही कलियाँ देखिए देखने को मिलेंगी आपको। ये मधुमालती देखिए कितनी सारी इसमें फ्लावरिंग हुई है, देखिए काफ़ी अच्छी तरह से, देखिए गुच्छों में इस पर फ्लावरिंग जो है बनी हुई है। ये देखिए और बर्ड्स भी इस पर बनने लग रही हैं। ये देखिए यहाँ पर दिखाऊँ तो आपको मैं, ये देखिए कुछ ही टाइम बाद ये भी जो है खिलना शुरू हो जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये मेरा कनेर का प्लांट है, काफ़ी ऊंचा प्लांट है तो ये डंडियाँ मुझे नीचे करके आपको दिखानी पड़ेंगी। ये देखिए कितने अच्छे इस पर फ्लावर्स आए हुए हैं, हर एक ब्रांच पर जो है फूल ही फूल जो है इसके ऊपर बने हुए हैं। और यहाँ पर देखिए ये गिलहरियाँ पानी पड़ने की वजह से फ्लावर्स नीचे की तरफ झुक गए क्योंकि पानी इनमें एकदम से भर गया है। ये देखिए यहाँ पर मिनी चांदनी, यहाँ पर मेरी पूरी पर्सलिन का ये बॉर्डर बना हुआ है। ये देखिए यहाँ पर कितना प्यारा सा लग रहा है। ये यहाँ पर देखिए, यहाँ फिर से मेरे ये गिलहरिया के प्लांट, देखिए प्लांट फूलों में पानी भर गया तो प्लांट नीचे की तरफ जो है ये लुढ़क गया है। ये देखिए इस तरह से। यहाँ पर मेरा ये अफ्रीकन हिबिस्कस, अभी फ्लावरिंग तो नहीं हुई है इस पर लेकिन प्लांट्स काफ़ी अच्छा बुशी हो रहा है। और यहाँ पर मेरा ये सनफ्लावर देखिए, पानी इनमें कितना भर गया है। ये देखिए तो यहाँ पर मेरा एक टिकोमा, और यहाँ पर देखिए बहुत ही खूबसूरत खुशबूदार फ्लावर्स, देखिए ये मोगरा कितना प्यारा सा फ्लावर खिला है। देखिए तो फ्रेंड्स इसमें फ्लावरिंग होती ही रहती है, जब फ्लावर आने के बाद जो है मैं इसकी प्रूनिंग कर देती हूँ तो दोबारा ये फ्लावरिंग पे जो है आ जाता है। हर एक ब्रांच पर जो है इस पर कलियाँ ही कलियाँ जो है बनी हुई हैं। ये देखिए यहाँ पर ये तुलसी जी हैं, देखिए कितनी हरी भरी हो रही हैं। और बीच में आपको ये बड़े पत्ते दिख रहे होंगे, ये गिलोय है जो मैंने इसमें एक जो है छोटी सी डंडी में लेके आई तो मैंने इसमें ऐसे ही लगा दी तो वो ग्रो हो गई। यहाँ पर देखिए कोलियस, मैंने टब में काफ़ी सारे प्लांट्स फ्रेंड्स लगाए हुए हैं, जब मेरे पास पॉट्स नहीं होते तो मैं ऐसा ही करती हूँ, एक बड़े से जो है मैं लेती हूँ टब वगैरह तो उसमें मैं काफ़ी सारे प्लांट्स जो है लगा देती हूँ ताकि वो मुझे बाद में मिल जाए उनकी कटिंग्स। और यहाँ पर देखिए ये भी एक हिबिस्कस है और साथ में ये सनफ्लावर, और यहाँ पर मेरे ये गुलदावरियाँ, देखिए कितनी प्यारी सी लग रही हैं। और यहाँ पर डिफनबेकिया, ये मैंने कटिंग से ग्रो किया था, इसका मदर प्लांट मेरे नीचे वाले फ्लोर पर रखा हुआ है। और यहाँ पर फिर से एक हिबिस्कस अफ्रीकन, ये सनफ्लावर, ये देखिए और पीछे आपको ये दिख रहे होंगे विन का। और यहाँ पर ये जेड प्लांट पिको, इनकी जल्दी मैं कटिंग करने वाली हूँ, वीडियो शेयर करूँगी आपके साथ। और यहाँ पर देखिए ये कितना प्यारा सा वेरीगेटेड है प्लांट, कितना प्यारा लग रहा है, पत्ती से खूबसूरती गार्डन में बहुत अच्छी हो जाती है। और यहाँ पर देखिए ये कोप्सकॉम कितने प्यारे से लग रहे हैं। यहाँ पर ये मेरा एक हिबिस्कस का प्लांट है येलो कलर का, लेकिन इसकी पत्तियाँ ये मुड़ रही हैं, मैंने काफ़ी सारा ट्रीटमेंट किया है इसके ऊपर लेकिन फिर भी अभी थोड़ा सा ठीक हुआ है, ये देखती हूँ और कुछ इसमें क्या डालना है मुझे। और यहाँ पर देखिए गर्मी के कारण कितनी बुरी हालत हो गई है मेरी स्क्रोटन प्लांट की। और यहाँ पर देखिए मेरा ये गुलाब, कलियाँ बनने शुरू हुई हैं, मैंने इसे प्रून कर दिया था, बिल्कुल हार्ड प्रूनिंग कर दी थी मैंने इसके, अभी इस पर जो है ये कलियाँ बननी शुरू हो गई। देखिए यहाँ पर हर एक ब्रांच पर कलियाँ, फूल थोड़े छोटे हैं लेकिन फिर भी फूल जो है इस पर आते ही रहते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर फिर से मेरी गुलदावरी, ये देखिए ये मैक्सिकन पिटूनिया। और यहाँ पर ये एक और प्लांट है, इसका नाम मुझे नहीं पता है लेकिन विंटर में जो है काफ़ी अच्छी जो है इस पर फ्लावरिंग होती है, ब्लू कलर के जो है इस पर फ्लावर्स आते हैं गुच्छों में। और यहाँ पर एक मेरा मिनिएचर गुड़हल, देख सकते हैं आप कलियाँ कितनी सारी बनी हुई हैं इस पर, और ये फ्लावर जो है खिलने के लिए तैयार हो रहा है। ये देखिए कलियाँ तो काफ़ी सारी
तो काफ़ी सारे फ्लावर्स जो हैं इसके ऊपर आते हैं, आप कलियाँ देख रहे हैं। गर्मी के कारण जो है काफ़ी सारी कलियाँ जो हैं इसकी पीली पड़ के जो है वो ख़राब होकर नीचे गिर गई। देखिए मेरी ये वंडरिंग जो इतनी प्यारी सी है हो रही है, इसके काफ़ी सारे प्लांट्स मैंने लगाए थे लेकिन गर्मी के कारण सबके सब जो ख़त्म हो गए। और यहाँ पर मेरा एक और हिबिस्कस, ये पिंक कलर के फ्लावर्स पाते हैं हाईवे, और यहाँ पर एक और ये मुझे किसी ने दिया था। यहाँ देख रहे हैं मैक्सिकन पिटूनिया, देखिए कितने बुशी प्लांट है, काफ़ी सारे प्लांट इसमें एक ही साथ हैं। तो देखिए कलियाँ देखिए कितनी सारी बनी हैं, हर रोज़ इस पर फ्लावर्स खिलते ही हैं। ये देखिए कितनी सारी कलियाँ इस पर बनी हैं। तो इसे आप जरूर लगाएं, गर्मी का सबसे हार्डी प्लांट है और सबसे ज़्यादा फ्लावरिंग करने वाला ये प्लांट है। पर देखिए ये मेरी बोगनवेला जो अब तीसरी बार फ्लावरिंग कर रही है मेरे गार्डन में। ये देखिए मैंने आपके साथ शेयर भी किया था, मैंने फिर से इसे प्रून कर दिया और फिर से इस पर जो है ये फ्लावरिंग होने शुरू हो गई है। ये देखिए हर एक ब्रांच पर जो है फूल बनना शुरू हो गए हैं। ये देखिए उसी टाइम में जो अच्छी तरह से इससे फ्लावरिंग जो है बढ़ जाएगी। तो बोगनवेला में यही काम करना चाहिए कि जब उस पर फ्लावर्स आके ख़त्म हो जाए तो इसको हल्का हल्का जो है प्रून कर देना चाहिए ताकि फिर से ये फ्लावरिंग पे आ जाए। कि फ्रेंड्स ये मेरा पिटूनिया वे पिटूनिया कितने प्यारे से फ्लावर्स निकले हैं, वाइट और ये थोड़े से हल्के से बैंगनी सा कलर है इनका। देखिए कितने प्यारे से कितने ब्यूटीफुल से लग रहे हैं। मैंने इसको जो है बारिश में नहीं रखी क्योंकि पिटूनिया जल्दी ख़राब होते हैं ज़्यादा पानी होने की वजह से। और काफ़ी सारे प्लांट्स जो है मैंने अंदर रख दिए हैं ताकि उन पर बारिश ना पड़े, क्योंकि बारिश पड़ने से जो है वो प्लांट्स मेरे जल्दी ख़राब हो जाते हैं। जैसे कि गोमफ्रीना प्लांट हैं तो उनकी जड़ों में ज़्यादा पानी चला जाता है, वो जल्दी से गल जाते हैं, तो वो भी मैंने उठा के रख दिए हैं। और विनका हाइब्रिड वो भी मैंने उठा के रख दिए हैं। कुछ कटिंग्स जो मैंने ग्रो की हैं वो भी मैंने बारिश के से के पानी से जो है बचा कर रखी हैं। प्लांट्स मेरा ये स्नैक प्लांट है, देखिए कितना बड़ा हो रहा है ये देखिए। और यहाँ पर ये कुछ मैंने भिंडी के सीड ग्रो किए थे, देखिए कितने बड़े बड़े हो गए हैं।